दिस इज डे 4 एंड मैं हिकादुआ से जा रहा हूँ एल ए हिकादुआ। मैं आज यहाँ से छोड़ रहा हूँ, होटल से मैंने चेकआउट कर लिया है। सुबह 6:10 हो रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट बस जाता है 6:30, जो यहाँ से 214 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, और वो पूरा हिल स्टेशन एरिया है। और अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली वहाँ। मेरी आँख भी नहीं ढंग से खुली है, मैंने जस्ट बैग्स उठाए अपने और भाग रहा हूँ अभी, जस्ट बस मिल जाए मुझे जो मुझे डायरेक्टली लेके जाएगी एल्ला। 5 minutes later प्लान में चेंजेस ये है कि 1 और 2 से डायरेक्ट बस नहीं है एल्ला की, तो अब मुझे पहले मात्रा से वेल्लिया और वेल्लिया से एल्ला जाना होगा, जिसका टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर्स है। ज़्यादातर ट्रैवलर कोलंबो से कैंडी से नोवारा लिया और वहाँ से एल्ला जाते हैं, बट मैंने ये रोड चुना। यहाँ की बसें सतरंगी होती हैं, जिसमें आपको टीवी से लेके म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर हमेशा मिलेगा। यहाँ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बहुत पॉपुलर है। हिक्कादुआ से एल्ला तक मेरी जर्नी थोड़ी हेक्टिक रही, बिकॉज मुझे 3 बसेस चेंज करनी पड़ी, जिसका टोटल मुझे 460 लंकन रुपीज़ में पड़ा, जो INR में 186 रुपीज़ होता है। मतलब गाइस, मैंने 220 किलोमीटर सिर्फ 186 रुपीज़ में कवर कर लिया। कैन यू बिलीव इट, इतना सस्ता। Six and a half hours later. So guys, finally I have reached Vellaya. और यहाँ से अभी एल्ला का बस लेना है। मुझे यहाँ पे लगा है कम से कम आने में, सुबह 6:30 बजे मैं चला था हिक्कादुआ से, जहाँ से मैंने एक बस चेंज किया था 8:30-9:30, काफ़ी घंटे, 8 घंटे लग गए मुझे अभी वेल्लया पहुँचने में। अभी एल्ला पहुँचने में भी टाइम लगेगा, और मैंने पहले सोचा था कि मैं अगर टाइम पे पहुंच जाऊंगा तो मैं आज ही रावणा केव और ये सब चला जाऊंगा, पर मुझे नहीं लगता, मैं टायर्ड भी बहुत हो गया हूँ। अब बस पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं पहले थोड़ा होटल में जाके रेस्ट करूंगा, और शायद कल सुबह जल्दी उठ के मैं सारा एक्सप्लोर करूंगा, और 2 दिन तो एल्ला में रुकना ही पड़ेगा मुझे। और यहाँ बहुत धूप है, बहुत, मेरे को सनबर्न भी हो गया है, मेरी शोल्डर्स पे हो गया है, मेरे हाथों पे हो गया है, और वो बहुत दिक्कत कर रहा है मुझे। बस टू एल ए 71 रुपीज पर हेड, 71। Thank you.
जो अभी पीछे जगह गई थी वो थी रावणा फॉल, और यहाँ मैं आने वाला हूँ कल। वैसे तो इवनिंग का प्लान है, अगर होटल में रेस्ट करना होगा तो कर लेंगे, वरना फिर कल मैं आऊँगा मॉर्निंग में और वहाँ पे करेंगे स्विम, और आपको बताऊँगा वहाँ की हिस्ट्री क्या थी। तो गाइस रीच द होटल एल्ला, और ये एक पूरा टूरिस्ट प्लेस है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं शिमला या मनाली में हूँ, जैसे शिमला मनाली होता है हिल स्टेशन के पास वैसा है। और मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ जो मैंने लिया है और वो कैसा है। एक्चुअली ये गेस्ट हाउस है हिल ब्रीज करके, पर बहुत अच्छा है। एला में होटल मुझे 6,000 श्रीलंकन रुपीस दो दिन के लिए पड़ा था। दिस इज द गेस्ट हाउस एंड दिस इज द कॉमन एरिया, दिस इज द गाय। भैया के नाम है मुकद्द। प्रिया रोहित। नाइस टू मीट यू। दिस इज फॉर द यूट्यूब। या We went Ekadu also. Okay. Yeah. This is the fourth day in Sri Lanka. Okay. I'm from Delhi, capital. India. This is a such a nice place. यहाँ पे कमल का फूल भी है और इतनी देर से जो साउंड करा वो ये है, और यहाँ की वाइब्स इतनी प्यारी है, पूरी शांति। अच्छा, बीच से निकल के आप आए हो और आप यहाँ रह रहे हो। इनके पास ऊपर भी रूम्स हैं, इनके पास ऊपर भी, और ये है, और ये इन्होंने बीन बैग रखे हुए जिसमें मैं बैठ के रिलैक्स करने वाला हूँ। और बहुत शांति है यहाँ पे। एला टाउन छोटा होने के कारण यहाँ पे आप विद इन 5 किलोमीटर्स रावणा फॉल, रावणा केव, नाइना ब्रिज, ये सब बाय वॉक या फिर एक स्कूटर हायर करके भी देख सकते हैं। नाइना ब्रिज जाने का रास्ता एला रेलवे स्टेशन से भी होके जाता है, बट अगर आप टाउन से बस लेके या स्कूटर लेके भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे जब लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने मेरे को एला रेलवे स्टेशन से शॉर्टकट रास्ता बताया जो पटरियों पे से होके जाता है, और आप रेलवे ट्रैक पे भी जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग रेलवे ट्रैक से ही चल के जाते हैं, तो बाय वॉक हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। So guys, there is Nine Arc Bridge. People taking picture. Nine Arc Bridge. Why this is Nine Arc Bridge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine Arc. This place is very famous here. नाइन आर्क ब्रिज को ब्रिज इन द स्काई भी बोला जाता है, और इसे बनाया था ब्रिटिशर्स ने। And this view is very nice. Train.
All the way, bats, woman, Batman. He's preparing the pizza, wood-fired pizza, first time. Excuse me, put more mushroom, less capsicum. मैंने तंदूरी मुर्गा बनते हुए देखा है, पर तंदूरी पिज़्ज़ा बनते हुए नहीं देखा, मतलब इतनी भट्टी में. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा रावणास केव और रावणास फॉल, और तब तक के लिए आपसे अलविदा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो.